इकोनॉमिक्स पर। तो अपन आप देखेंगे क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमैटिक मीन का पार्ट नंबर 2। अब आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो गाइस पहले जाओ फटाफट और पार्ट 1 देख कर आओ, वरना पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो अपन ने थोड़ा रिवाइज करते हैं, पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था मीन क्या होता है, फिर अपन ने देखा था मीन में 3 टाइप की सीरीज आएगी आपके पास, या तो इंडिविजुअल होगी या डिस्क्रीट होगी या क्या होगी कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। हर सीरीज में अपन ने देखा था मीन निकालने के 3 मेथड थे, एक तो आपके पास क्या था सिंपल मीन मेथड, एक आपके पास था अज्यूम मीन मेथड और लास्ट अपने पास क्या था स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। अब अपन देखेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, राइट, जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं इसमें और जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं वेटेड मीन पे। वेटेड मीन में अपन को गिवन क्या होगा, अपन पास गिवन क्या होगा, एक तो अपने पास x होगी जो वेरिएबल, मतलब अपने वैल्यूज क्या क्या है, फॉर एग्जांपल x अपने पास है 10 20 30 40 50 और w होगा, आपने w क्या होता है वेट होता है, मतलब इस वेरिएबल वेट कितना है, फॉर एग्जांपल 3, इसका ले लेते हैं 2, इसका ले लेते हैं 9, इसका ले लेते हैं 5, इसका ले लेते हैं 4। अब वेटेड मीन गौर से देखो, कुछ डिफरेंस नहीं है, ये वेट को समझ लो कि ये क्या है फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अपन को वेटेड मीन निकालना है। तो वेटेड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी होती तो क्या फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकालते, बात एक ही पड़ती है, तो एक कॉलम बनाते हैं डब्ल्यू मल्टीप्लाई एक्स, तो ये क्या दे देगा अपन को 30, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 40, नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा 9 3 27 270, नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा 200, नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा अगेन 200। अपन इसका टोटल निकालते हैं 30 प्लस 40 70, 270 प्लस 70 340 प्लस 200 540, और तो अपन को टोटल दे देगा अपना 740। नेक्स्ट अपन निकालेंगे W का टोटल, तो W का टोटल अपने पास क्या आएगा 32954, ये आ जाएगा अपने पास 23। तो मीन क्या हो गया फाइनली 740 अपॉन 23। आप इसका आंसर निकाल लोगे, पॉइंट्स में आप निकाल देना। एक और चीज याद रखना कि जब आप आंसर निकाल देना, फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने पर आंसर आया आपका 223.3349 कुछ ऐसे आया, राइट, हमको एक चीज याद रखनी है कि हमको सिर्फ 2 पॉइंट तक आंसर निकालना है, उससे आगे नहीं निकालना, और लास्ट में अपन क्या लिख देंगे अप्रोक्स ब्रैकेट में, ठीक है। ये जो था अपना वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट जो अपने पास है नेक्स्ट वो है आपका लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन। अब लेस देन मोर देन में गिवन क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अपन को गिवन है, लेस देन टेबल, अपन को क्या गिवन है लेस देन टेबल, तो लेस देन टेबल के साथ जो गिवन होगा ना अपने पास वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी क्या होगी लेस देन, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी लेस देन। अब इसमें अपन को क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमको दे रखा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और इसकी अपन को जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो अपन को दे रखी है 3 9 15 20 25। क्वेश्चन अपन को बोल रहा है इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लेकर आना है, तो देखो लेस देन 10, लेस देन 10 में अगर मैं इसकी क्लास इंटरवल बनाना चाहूं और इसका एक कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, तो लेस देन 10 मतलब क्या होगा, देखो गौर से देखो गैप कितने कितने का है इन सब में, 10 10 का गैप है, तो लेस देन 10 मतलब अपन एक कॉलम ले 0 to 10, नेक्स्ट अपने पास कॉलम क्या बन जाएगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और लास्ट 40 to 50। 40 to 50 में एंड क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि इसने गिवन क्या था लेस देन 50। अब भाई लेस देन 50 में अब उससे बड़ा तो कुछ आएगा नहीं। अब अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले। लेस देन 10 मतलब क्या होगा 0 to 10, तो 0 to 10 के लिए अपनी जो ये 3 है ये अपने पास 3 बच जाएगा। भाई लेस देन 10 में अगर 3 चीज है तो 0 to 10 में भी कितनी होगी 3 चीजें ही होगी। लेस देन 20, अब लेस देन 20 के अंदर अगर अपन बात करें तो 0 टू 10 भी इंक्लूड है और 10 टू 20 भी इंक्लूड है, राइट। तो अपन को ये पता है 0 टू 10 में कितना है 3, तो अगर मैं 0 टू 10 में अपन को पता है 3 है, ये अपन को पता नहीं फॉर एग्जांपल x, लेकिन मुझे पता है इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 9 आएगा, तो ऐसे अपन क्या करेंगे इसको इससे माइनस कर देंगे, तो अपने पास नेक्स्ट नंबर क्या आ गया यहाँ पे 6। नेक्स्ट अपन को निकालना है तो इसको इससे माइनस कर दो, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, नेक्स्ट इसको इससे माइनस तो ये आ गया अपने पास 5, नेक्स्ट इसको इससे माइनस तो ये क्या आ गया अपने पास 5, तो ये बन गई अपनी क्या लेस देन से लेकर अपन ने कन्वर्ट कर दिया इसको नॉर्मल टेबल पे, तो ये तो बात की अपन ने लेस देन की। अब अपन बात करते हैं अगर अपन को गिवन हो मोर देन टेबल, तो मोर देन
और साथ में आपको क्या गिवन होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसका नाम क्या होगा, मोर देन। कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और मोर देन टेबल, तो समझ जाना वो मोर देन की सीएफ है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अपन को दे रखा है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40, और फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी 50, 48, 30, 10 और 2, राइट। तो अपन इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको नॉर्मल में लेके आएंगे, तो मोर देन 0, तो क्लास इंटरवल की स्टार्टिंग क्या होगी, सब में गैप कितने का, 10 10 का, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे 40 to 50, क्यों बनाएंगे, क्योंकि मोर देन 40, मोर देन 40 में क्या कवर होगा, 40 टू 50 होगा। और नेक्स्ट अपन लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो चालू करते हैं नीचे से करते हैं, क्यों करते हैं भाई, मोर देन 0 तो मतलब ये सारे आ गए, लेकिन अपन को पता है मोर देन 40, मोर देन 40 मतलब क्या रेंज होगी, 40 टू 50, तो मोर देन 40 में 2 है तो 40 टू 50 में भी कितने होंगे, 2। तो इसमें जो होता है वो होता है उल्टा माइनस, राइट। मोर देन 30 तो इसमें ये भी इंक्लूड होगा, तो अगर अपन ये हटा दें तो क्या बच जाएगा अपने पास, 8। पैटर्न तो चल गया, तो माइनस करते जाओ, ये हो जाएगा 20, 48 में से ये हो जाएगा 18 और ये बच जाएगा 2, तो ये बन गई अपनी मोर देन और लेस देन, राइट। बेसिकली मोर देन और लेस देन है ना, वो आगे जाके मीडियन में ज्यादा काम आते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको मोर देन टेबल दे देंगे और क्वेश्चन बोलेंगे आप उसका मीन निकालो, तो वी शुड नो कि भाई मोर देन से अपन क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कैसे बना और अपना मीन का आंसर निकाल ले। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना मोर देन और लेस देन का, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं भाई, करेक्टेड मीन, न्यू मीन के, इसके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो बात करें अपन वर्ड प्रॉब्लम्स के, तो मैं आपके सामने केस रख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस, गिवेन है, क्वेश्चन गिवेन है दैट मीन ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 30, 50 was a observation, इसको थोड़ा और सही करते, a observation, 50 was misread as 48, find the corrected mean, find the new mean, या new mean बोलो, corrected mean बोलो। तो सबसे पहले इसका आप आंसर कैसे निकालेंगे, इसने क्या बोला, मीन ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितना है अपने पास, 30, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब इसने मीन का आंसर दे रखा कितना है, 30, इसने एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 20, तो अपन क्या सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं, तो अपने पास सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा अपने पास, 600। तो इसको सिग्मा एक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं। नाउ अब अपन निकालते हैं करेक्ट सम, अपन अब क्या निकालेंगे, करेक्ट सम। अब पुराना सम क्या था, 600। अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, 50 वॉज मिसरीड एज 48, मतलब अपन को पढ़ना क्या था 50, लेकिन अपन ने पढ़ क्या लिया 48, तो अपन गलत वाला तो क्या कर देंगे, माइनस, भाई पढ़ क्या लिया 48, और सही वाला कर देंगे क्या, प्लस। तो अपना आंसर कितना आ गया, ये 602, ठीक है। अब अपन निकालेंगे करेक्टेड मीन, तो करेक्टेड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, करेक्टेड सम, आपका सम करेक्टेड कितना है, और देखो एक अपन ने माइनस करा एक प्लस करा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितने हैं, 20। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसको कट कर देते हैं अपन, 2 से कट देते हैं, तो ये आ जाएगा 301, तो फाइनली अपना आंसर कितना आया, 30.1, मतलब अपना जो न्यू मीन था वो कितना हो गया, 30.1। तो ये थे इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम का एक और केस बताती हूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर दैट मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 100, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके पास, 100, टू ऑब्जर्वेशंस 150 एंड 250 आर एडेड, टू ऑब्जर्वेशंस 150 एंड 250 आर एडेड, फाइंड द न्यू मीन, अपन को क्या निकालना है, न्यू मीन निकालना है, दो ऑब्जर्वेशंस अपने पास क्या होगा, ऐड होगा। तो सबसे पहले अपन को ये पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो मीन कितना है अपने पास, 100,
सिग्मा एक्स अपन को पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने अपने पास 25, तो अपने पास सम कितना आ गया 2500। अब सम निकल गया, अपन निकालेंगे करेक्टेड सम। CS मतलब करेक्टेड सम्स, कंप्यूटर साइंस में। तो करेक्टेड सम्स कितना हो गया, पुराना सम कितना है 2500। अब इसने क्या बोला, दो ऐड हो गए, मतलब अपने पास क्या हो गया, दो चीजें नई ऐड हो गई, एक तो 150 और एक 250। तो 150 और 250, तो अपने पास ये कितना आ गया 2900। अब अपन निकालेंगे करेक्टेड मीन। अब करेक्टेड मीन तो क्या हो जाएगा, करेक्टेड सम अपॉन, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए। देखो कुछ चीज माइनस नहीं हुई, दो चीज के हुई प्लस हुई है, तो अपने पास पहले टर्म्स कितने थे 25, अब कितने हो गए 27। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। और गाइस इसको आपको पॉइंट्स में निकाल के आना है, कब कितने पॉइंट्स तक, सिर्फ 2 पॉइंट्स तक आप लोगों को, ठीक है। तो ये हुए आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इसके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग आपको थोड़े टाइम बाद पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड कर देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और होता है कि सीरीज को आप नॉर्मल सीरीज में कैसे लेके आओ। फॉर एग्जांपल अपने पास सीरीज है 0 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। इसमें आपको मैं सिर्फ आपको सिर्फ नॉर्मल क्लास इंटरवल में लेके सिखाऊंगी, तो अपन निकालेंगे न्यू क्लास इंटरवल। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या है 19 और यहाँ पे 20 है, ये चीज सेम नहीं। अपन लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, 0 to 10, तो यहाँ पे 10 होगा राइट। इसमें सेम करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन दोनों नंबर है ना उसके बीच का डिफरेंस निकालो, 20 - 19 आंसर कितना है अपने पास 1। जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करना है, तो अपन क्या कर देंगे 1/2, तो आंसर कितना है 0.5। अब करना क्या होता है, यहाँ पे तो 0.5 माइनस करोगे, यहाँ पे 0.5 प्लस करोगे हर में। अगर 0 में से माइनस करोगे तो अपन इसको 0 ही मानते हैं, क्यों, बिकॉज ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ प्लस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 19.5, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, मतलब ये याद रखना लोअर लिमिट में तो क्या होगा माइनस, अपर लिमिट में प्लस, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट में प्लस। मैं रिपीट करती हूँ, लोअर लिमिट में तो क्या करोगे माइनस करोगे, अपर लिमिट में क्या करोगे प्लस। तो 20 - 0.5 क्या दे देगा 19.5, और प्लस करोगे तो 29.5। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा 29.5, प्लस करेंगे तो 39.5, यहाँ क्या आ जाएगा 39.5, और प्लस करेंगे तो 49.5, अब कितना आ जाएगा 49.5, और प्लस करेंगे तो 59.5। अब ये सीरीज नॉर्मल बन गई, अब आप इसका मीन इजीली निकाल सकते हो। एक इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज आपको क्या गिवन होगी मिड वैल्यूज, आपको क्या गिवन होगी मिड वैल्यूज, और आपको बनाना है उससे क्लास इंटरवल। अब मिड वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 10, 20, 30, 40 और 50। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या बनाना है क्लास इंटरवल, तो सेम प्रोसीजर, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 20 - 10 कितना आंसर आया अपने पास 10। हमेशा हमेशा आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे 2 से, तो 10/2, तो आंसर कितना है 5। वही वापस रिदम, रिदम क्या थी, लोअर लिमिट में तो माइनस और अपर लिमिट में क्या करना है हमेशा प्लस। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5, और 10+5 क्या बचा 15। 20 में से 5 गया यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या बच, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या बचेगा 15, और 20 में 5 प्लस कर दो क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा 25, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो गया 25 से 35, ये क्या हो जाएगा 35 से 45, ये क्या हो जाएगा 45 से 55। तो अपन ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हो गए अपने मिड वैल्यूज से अपन किस पे आ गए, क्लास इंटरवल पे। अब जो इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं, वो कवर होते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कि आपको कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी क्या होगी मिसिंग होगी, और फिर आपको क्या निकालना है इसमें आंसर निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको क्लास इंटरवल दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4x, 1x और 1x, नहीं y, दो फ्रीक्वेंसी आपको मिसिंग है। गिवन है फ्रीक्वेंसी का टोटल है आपके पास 10, ये आपको चीज गिवन है, और गिवन आपको क्या चीज है मीन है कितना 17। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल अगर मीन निकालते तो अपन क्या निकालते m x निकालते, वो क्या होती है अपनी मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया अपने पास 5, 15, 25, 35 और 45। फिर एक कॉलम बनता है f मल्टीप्लाई x, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा
एस, तो ये हो जाएगा 20, 15x, 25, 35y और 45। अगर हम इसको प्लस करें तो 20 + 25 = 45 + 45 = 90 + 15x + 35y। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले से वैल्यू डालेंगे, मीन का फॉर्मूला कितना है अपने पास 17, नेक्स्ट सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास 90 + 15x + 35y और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है अपने पास 10। तो 10 × 70 क्या हो जाएगा 170 = 90 + 15x + 35y। अगर ये चीज इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 170 - 90 कितना दे देगा अपन को ये 80 = 15x + 35y। अब एक और चीज, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 10, तो क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ दैट 4 + x + 1 + y + 1 विल बी इक्वल टू 10। तो 4 + 1 + 1 क्या हो गया 6 + x + y = 10। तो x प्लस वाई कितना हो गया 10 - 6, तो कितना बच गया अपने पास 4। तो मैं ये लिख सकती हूँ x = 4 - y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो आपकी x की वैल्यू है अपन इस पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 80 = 15 × 4 - y + 35y। तो 80 = 15 × 4 = 60 - 15y + 35y, ये आ जाएगा इधर। तो 80 - 60 = ये क्या दे देगा अपन को 20y। तो 20 = 20y, तो y कितना आ गया अपने पास 1। y की वैल्यू जो है वो अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x कितना हो गया 4 - y, तो x कितना हो गया 4 - 1, तो x कितना आ गया आपके पास 3। तो ये हुए आपके मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस। तो ये था आपका पूरा मेन चैप्टर इसके अंदर, राइट। पार्ट टू में अपन ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपको लगे कि यार मेरे से कोई टॉपिक स्किप हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो मेन से रिलेटेड आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आपका रिप्लाई हम लोग जल्द से जल्द देंगे। फॉर मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। ऐसे ही मैं बाकी सारे चैप्टर्स की भी वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी से जल्दी। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।